नमस्कार, मैं हूं अमीश देव। देख इसका फोन है। हेलो। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और इस समय हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नमस्कार दोस्तों, पंजाब टुडे टीवी पर आपका स्वागत है, जहां आपको गोदी मीडिया का सच दिखाया जाता है। तो पहले शुरू करते हैं हम हमारी अंजना ओम कश्यप से। देखिए कैसे तिलमिला उठी गोदी एंकर अंजना जब एक प्रवक्ता आशुतोष ने कहा कि गोदी मीडिया के अंदर इतना दम नहीं है कि वो देश के प्रधानमंत्री और रूलिंग पार्टी से प्रश्न कर सके। मेरी बात आप सुनिए मेरी बात, इस देश के मीडिया की हैसियत नहीं है कि इस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ एक शब्द बोलते। बिल्कुल सही है। आप क्या बात करते हैं? आप क्या बात करती हैं? आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। मेरा मुंह खुलवाना चाहते हैं आप लोग? इस देश के मीडिया ने हिंदुस्तान की जो हालत पैदा कर दी है, आप लोग सच्चाई सुनना नहीं चाहते। आप डिबेट को डिरेल कर रहे हैं। सुनना नहीं चाहते आप देश के प्रधानमंत्री का, सिर्फ महिमा मंडन करते सुबह से शाम तक। अगले क्लिप में हम देखेंगे कि कैसे एक किसान ने गोदी मीडिया की चाटुकारिता का सच बताया और बताया कि ये गोदी मीडिया कौन सी ब्रीड का है और इसे दिन में कितनी बार रोटी डालनी पड़ती है। अलग अलग वेराइटी ये भोगते हैं। आपको कैसा चाहिए? ऐसा चीज बहुत भोगता हो। ये लो रिपब्लिक इतना भोगता है, इतना ये तो काटता भी नहीं, इसके दांत भी तुड़वाती है। आप एक बार जाओगे ना भोगने के लिए, फिर ये 6 दिन तक भोगता रहेगा। आपको रोटी भी नहीं डालनी है, एक बार रोटी डाल दो तभी खाता आता नहीं है, इतना सा टुकड़ा डाल दो वो भी खराब सा, फिर भोगता रहता है। पूछ। अगले क्लिप में हम देखेंगे आर भारत के वरिष्ठ पत्रकार से जो किसी की बात सुनना ही नहीं चाहते, इनसे कोई ये सवाल पूछे कि भैया जब आपको अपनी आवाज इतनी ही पसंद है और आप किसी और की आवाज सुनना ही नहीं चाहते तो मेहमानों को अपने डिबेट पर बुलाते ही क्यों हो? देखें जब बार बार ये गेस्ट बात करने की कोशिश करती रही और अर्नब ने उन्हें बोलने नहीं दिया तो आखिर में मेहमान ने अर्नब को उंगली दिखाई। Arnab, please let me finish. Oh ma'am, please don't continue the lynch mob. Tell me, would you find attempt to murder? अगले क्लिप में हम देखेंगे जब एक प्रवक्ता ने अर्नब गोस्वामी के डिबेट के दौरान अर्नब को कहा नामर्द और ये भी बताया कि अगर कोई नामर्द की असली परिभाषा जानना चाहता है तो उसे कुछ और करने की जरूरत नहीं, बस अर्नब की ओर देख ले, उसे खुद ब खुद नामर्द का मतलब पता चल जाएगा। Fourth Halim of the CPM, please tell Vishal Sharma of the BJP what is the meaning of namard. Namard, the word can be exemplified by Arnab Goswami and your character. You are a namard and you are the person who actually signifies what namard means. It epitomizes namard. Okay. And you don't have to search for any other reason or any other explanation of Nabarth once you have Arnab Goswami in front of you. Because that is what the meaning of Nabarth is. पिछले कुछ दिनों से गायब हुए हमारे ड्रंक जर्नलिस्ट दीपक चौरसिया का एक यादगार क्लिप, जिसमें आप देखेंगे आमिर हैदर ने कैसे दीपक की खटिया खड़ी कर दी और कहा कि गोदी मीडिया सिर्फ एक धर्म को टारगेट करता है, इसीलिए BND कहलाता है। एक घंटा हो गया तुम बकबक चौधरी कर रहे हो, अरे ये फैसला करना है कि सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए तुम डिबेट करोगे और सरकार की जूतियां सीधी करोगे तो लानत है तेरी पत्रकारिता पर। मैं दीपक चौरसिया तुझे चैलेंज करता हूँ, भड़वे पत्रकार के हम जैसे को अगर बिठाना है तो कम से कम सम्मान करना सीखो। ये भर्जना कीजिए आप दीपक जी, ये भड़वे। अगले क्लिप में हम देखेंगे कि ये आज तक वाले जहां भी जाते हैं वहीं अपनी बेइज्जती करवाते हैं। देखिए क्या हुआ जब आज तक के रिपोर्टर ने इन पंडित जी को अपने मोदी के बारे में पूछा तो कैसे पंडित जी ने कस के तमाचा जड़ डाला। स्वामी जी, अगर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनते तो बात नहीं करना। चलिए
मैंने लगाया उसको थप्पड़ लगाए। हमने उससे कहा कि तुम उस आदमी को चर्चा में रखने के लिए बात कर रहे हो। राजनीतिक लोग इस तरह के होते हैं, चाहे उनकी बुराई करो चाहे उनकी तारीफ करो, उनको चर्चा में रखो, तो ये राजनीति। अगले क्लिप में हम देखेंगे JNU के प्रदर्शन के दौरान सबसे नीचे स्टार का गोदी चैनल सुदर्शन न्यूज जब JNU में अपना एजेंडा चलाने गया तो वहां के छात्र प्रदर्शनकारियों ने इस पत्रकार की कैसे धज्जियां उड़ाकर रख दी और कैसे ये गोदी जर्नलिस्ट वहां चीखती और चिल्लाती रही। बोलने में शर्म आती है, राष्ट्रवाद की बात को शर्म आती है, पैसा खाने में शर्म आती है बोलने में। को लेकर हम यह बात करने आए हैं, आप लोग जो प्रदर्शन कर, इंडिया गो बैक, मोदी मीडिया नहीं है सुदर्शन, शर्म क्या शर्म करे बताइए, क्या शर्म करे दलाल शब्दों का इस्तेमाल, शर्म करो आप लोग, दलाल आप शर्म करो, दलाल शर्म कीजिए, आप शर्म कीजिए, हमें चाहिए नहीं कुछ। अगर दलाल मीडिया क्यों बोल रहे हैं, तो देख रहे हैं सुदर्शन के लिए मुर्दाबाद के नारे लगातार ये लोग लगा रहे हैं, सुदर्शन न्यूज को दलाल बोल रहे हैं, सुदर्शन न्यूज को गो बैक करके कौन कर रहा है योगी की दलाली कौन कर रहा है, योगी की दलाली कौन कर रहा है, मैं आप बताइए ना कैसे आपके छात्र आपके साथ ही मोदी और योगी की दलाली कर रहे हैं, सुदर्शन की टीम को बोलेंगे और मोदी और योगी की दलाली करने वाला चैनल सुदर्शन उसको बताया जा रहा है, सुदर्शन उसको दलाल मीडिया कहते हुए वो बैक कहते हुए मेरे चार्ट पर देखिए, आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार सुदर्शन न्यूज के खिलाफ आपको नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगले क्लिप में एक प्रवक्ता ने गुल्लू अमीश देवगन और गोदी मीडिया की लाइव डिबेट के दौरान पोल खोलकर रख दी। साफ साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि ये चैनल जो BJP का एजेंडा चला रहा है ये हमारे देश को बर्बाद करके रख देगा। हम लोग जो सुबह से शाम तक BJP का RSS का एजेंडा चला रहे हैं ना, ये मुल्क के लिए बहुत खतरनाक है। शायद आपके TV के लिए कुछ फायदेमंद हो जाए, शायद आपकी कोई नौकरी में कुछ मिल जाए आपको आपके तलवे चाटने की वजह से, परंतु मुल्क के लिए नजर था। और आखिरी क्लिप में भी जो सुदर्शन न्यूज की धज्जियां उड़ती नजर आएंगी वो शर्मनाक और निंदनीय है, पर ऐसे चैनल्स को फिर भी कोई शर्म नहीं आती। इस क्लिप में देखें कैसे फोन के माध्यम से इस व्यक्ति ने गोदी रिपोर्टर को गालियां दी और कहा कि BJP के एजेंट्स ही ऐसे घटिया काम कर सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री पे एक आदमी लाल मिर्च का पाउडर फेंकता है और आप इसको क्या बताना चाहते हैं, हास्यास्पद है आपका चैनल, आपके चैनल की कोई मर्यादा भी है, कोई सीमा भी है, कुछ भी कह सकते हैं आप। सर अब मैं बोलूं, आप कुछ भी कह सकते हैं क्या? सर अब मैं बोलूं, अगर आपको लाइसेंस मिला हुआ है क्या कुछ भी कहने का? सर अगर आप सुनने की हिम्मत कर पाए तो मैं बोलूं। आप एजेंट की तरह बात कर रहे हैं सर, लोगों की नाराजगी आपको बर्दाश्त नहीं होगी। मैं आपको संयम से कह रहा हूं, मैंने बहुत संयम से आपसे पूछा और जिस भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं सर, जिस भाषा का कम से कम आप धंधा कर रहे हैं क्या सर, प्लीज आप धंधा कर रहे हैं, आप निकालो चैनल अपना, सुन लीजिए ये भड़वागिरी बहुत दिन चलेगा नहीं, आप किसी पार्टी का मुखौटा बन के उनके लिए दलाली कर रहे हो, आप दलालो बिल्कुल चुनौती से, अरे आप दलाली कर रहे हैं आप चैनल के ऊपर, वोट मांगने मत आ जाइएगा आप चैनल के ऊपर, दलाली कर रहे हैं बैठ के आप, वोट मांगने मत, अरे आप भाजपा की दलाली करते हैं बैठ के यहाँ पे, आप क्यों करते नहीं बात करने की, अरे बकवास करना बंद कर रहे हो, चुनौती से कह रही ये भड़वागिरी करना बंद कर लो चैनल बैठ के, अरे बोलिए ना हम भी तो पता लगे, अरे धंधे में बैठ जाओ। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।